आपने किया साफ, कहा कांग्रेस बीजेपी ने चुनाव जिताने में मदद की। जी हां, आपको बता दें कि आपने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत के कारण भगवा पार्टी की कौशल जहां को दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए जहान ने आज दिल्ली सचिवालय में हुए मतदान में पैनल के सदस्यों द्वारा डाले गए 5 वोटों में से 3 वोट हासिल किए। वह इस पद पर चुनी जाने वाली दूसरी महिला हैं। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर दिल्ली हज समिति के लिए सदस्यों को नामांकित करते समय पूरी तरह से बेईमानी करने का आरोप लगाया। विधायक ने आरोप लगाया उनके पास सदस्यों को मनोनीत करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और दिल्ली के लोगों के साथ बेईमानी की। श्री सक्सेना ने कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को समिति में नामित किया और यह सही नहीं था और अंत में उन्होंने चुनाव में मतदान करने से परहेज किया जिससे भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हुई, श्री भारद्वाज ने आरोप लगाया। भारद्वाज ने कहा, मैं यह खबर देख रहा हूं कि यह पहली बार है कि भाजपा कार्यकर्ता कौशल जहां हज समिति की अध्यक्ष बनी है। यह दिखाया जा रहा है कि भाजपा ने एक बड़ा चुनाव जीत लिया है। यह 6 सदस्यों का चुनाव है। पैच, यह 6 सदस्यों वाला चुनाव है। समिति के सदस्य भाजपा सांसद गौतम गंभीर, आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस, कांग्रेस पार्षद दानिश, मुस्लिम धर्मशास्त्र विशेषज्ञ मोहम्मद साद और सुश्री जहान मुस्लिम स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य हैं। श्री भारद्वाज ने दावा किया कि यदि सुश्री दानिश ने भाजपा को वोट दिया होता तो उनके समुदाय द्वारा उनसे पूछताछ की जाती। उन्होंने कहा, अगर उन्होंने आपको वोट दिया होता तो टाई हो जाता, लेकिन उन्होंने वोट देने से परहेज किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मिलीभगत थी। पैच, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मिलीभगत थी जिससे पैच जिसने यह सुनिश्चित किया कि बीजेपी की विचारधारा का पालन करने वाली महिला शीर्ष पद पर चुनी जाए। आपकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि सक्सेना के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होने के बावजूद असंवैधानिक तरीके से निर्णय ले रही हैं। इस खबर को देख आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज डेस्क से हिमानी उप्रेती की रिपोर्ट।